पंजाब सरकार दे सिक्ख्या बजट दे विच 16% दा वादा किया गया है। मीत हेयर सिक्ख्या मंत्री साढ़े नाल ने, मीत जी किस तरह दे नाल की प्रायोरिटीज हैगियां ने बजट च वादा ते तुसीं कर दित्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर किवें ठीक करना? देखो इंफ्रास्ट्रक्चर लई भी काफ़ी जिहड़ा बजट है वह रखा गया है, तकरीबन 200 करोड़ तो जिहड़े 100 स्कूल असी जिहड़े बनाउणे आ कह लो जिहड़ा नूं अपग्रेड करना उन्हां दे लई रखा गया है। इस तों इलावा भी बाउंडरीज दे लई रखा गया है, डिजिटलाइजेशन स्कूल्स की करनी है उहदे लई पैसे रखे गए है, सोलर पैनल जिहड़े सारे स्कूल्स ते लगाउणे आ उहदे लई रखे गए है। सो मेन जिहड़ा फोकस है सरकार दा एजुकेशन ते जिहड़ा उह रहण वाला, क्योंकि लोकां ने एजुकेशन ते हैल्थ, क्योंकि असीं दिल्ली च इहदे ते बहुत काम कीता, इस करके पंजाब दे लोकां ने इन्हां दो मतलब कि जिहड़ा पिछले समय च मैंडेट मिलिया दो वड्डे कारण सी। सो उस दे चलदे जिहड़ा पहला बजट जिहड़ा पेश कीता गया इहदे च 16% दा तकरीबन पिछले बजट दे नालों वादा कीता गया। मैं माननयोग मुख्यमंत्री पंजाब दा ते वित्त मंत्री जी दा मैं धन्नवाद करदा जिन्हां ने खास तौर पर एजुकेशन वल ध्यान देते हुए बजट च बढ़ोतरी की। दिल्ली का जिहड़ा एजुकेशन मॉडल ही पंजाब दे विच तुसीं लियाना, पंजाब दे विच एक समस्या हैगी है कि जिहड़े प्राइवेट सैक्टर दे नाल कंपीट करना, एक बहुत वड्डी इकोनॉमी पैरलरली चलती है एजुकेशन सैक्टर दे विच पंजाब दे विच, इहनूं तुसीं कंपीट किवें करोगे? पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का ठीक करन दा बहुत कई स्कूल अजे भी बहुत रिपोर्ट होंगे जिथे छत्तां नहीं हैगियां, बैठन नूं फर्नीचर नहीं हैगे, या इस तरह के बहुत सारे स्कूल रिपोर्ट होंगे जिथे टीचर नहीं हैगे, है ना, एक एक टीचर हैगा वा 20-25 बच्चों के पिछे, वो रेशो नूं सोचन ठीक करन दे बारे की विचार? देखो दिल्ली च भी जिहड़े प्राइवेट स्कूल उत्थे भी हैगे आ, उत्थे भी साडी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। असी दिल्ली च कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बंद किए, असी सरकारी स्कूल अच्छे किए तो लोगों ने आपदे आप अपने बच्चे टाके प्राइवेट तो सरकारी चलाते। सो असी पंजाब च भी जिहड़ी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है पंजाब चो इंप्रूव करनी है, उहदे लई सानू चाहे साडे टीचर की कपैसिटी बिल्डिंग करनी पवे, उहनां नूं ट्रेनिंग दवानी पवे, उहदे लई भी बजट दे विच असी जिहड़ा प्रबंध है जिहड़ा उह रखिआ। सो असी लगातार उहदे ते काम कर रहे हां। बाकी जिहड़ा तुसीं कहा कि टीचर्स की बड़ी वड्डी कमी है ना, मैं तुसीं विधानसभा कवर की उन्हें पिछले दो दिन, मैं उहदे च भी कहा सी क्योंकि पिछलियां सरकारां ने बहुत घट जिहड़ी भर्ती है कीती, उन्होंने आम तौर पर भर्ती उदों करदे आ जदों इलैक्शन आने वाली हुंदी आ, तुसीं कढ के देख लो 2016 दीआं भर्तियां ने, 2021 दीआं भर्तियां ने, क्योंकि 17 च भी इलैक्शन ईयर सी, 22 च भी इलैक्शन ईयर सी। ये नॉट ओनली एजुकेशन हर डिपार्टमेंट दे विच इदां ही जिहड़ा कीता जांदा हैगा। सो असी हुण लगातार जिहड़ियां सरकार दे बन सार मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान कीता कि जिहड़ियां भर्तियां ने तकरीबन हुण 25,000 होणियां ने, मैनूं लगदा वी तकरीबन 994 तां इक असी ETT दी कर रहे आ, ते कदों तो हो रही हुणी बड़ी जल्दी जी, हाँ तो 6500 टीचर्स की असी ETT वाले की 5-4 दिन जी ज्वाइनिंग है वो असी करवा रहे हैं। मैं लगता है ये करके क्योंकि बहुते जो प्राइमरी स्कूल ही है जिन्हें टीचर्स की कमी सी, आ जो 6500 असी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उन्होंने नाल भी मैं लगता बहुत जी समस्या का हल हो जूगा, क्योंकि बड़े स्कूल है जो सिंगल टीचर है एंड कई इदा के भी है जो विदाउट टीचर है, ये भी हल होगा, नवी भी हल होगा, मास्टर केडर दियाँ भी कर रहे हैं। तो मैं अब विधानसभा जी की कहा भी PTI जिहड़ा इन्हां ने डाइंग काडर जिन्हों बना दिता सीगा कि इदू बाद जी PTI की भर्ती नहीं करनी। तुसीं देखो खेडां च भी असीं गल करिए जे अज पंजाब पछड़ गया आ खेलो इंडिया च, तुसीं देखिआ सारा देश जानदा भी साढ़े की हालात रहे आ, उहदा कारण इह है कि एक जे असी प्लेयर तैयार करना तो स्कूल तो होगा, ये नहीं भी वो भाई स्कूल तो मुड बजदा किसी भी कहीं भी इंटरनेशनल प्लेयर को बनाना तो स्कूल तो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। कह देंगे भाई हुण तू खेड, जदों एक कह लो भी साफ स्लेट है उहदे ते लिखिया जा सकदा भी की लिखना है ना, बच्चा एक साफ स्लेट हुंदा। सो असी PTI जिहड़ा डाइंग काडर सी असीं उहदियां जिहड़ियां दुबारा पोस्ट जिहड़ियां क्रिएट कर रहे हां, 2000 PTI टीचर दी भर्ती कर रहे हैं, बाकी होर भी सारिया भर्तियां लगातार जारी ने। कोई भी 5 साल के असी इदा का स्कूल नहीं रहन देवे भी जिथे इस करके एडमिशन नहीं होगी भी भाई इतने टीचर दामिया खाली पी। PTI की गल की बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ हैगी है, स्कूलों के स्पोर्ट्स में लैके इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक वक्रा मसला, जिथे PTI नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर तो उत्थे की होना सी, उन्होंने चीज़ों लैके बजट कोई प्रोविजन हैगी है कि असी स्कूलों के जे एस्ट्रोटर्फ बना दिए, असी फुटबॉल ग्राउंड बना दिए, या इस तरह की साइकिलिंग की कोई फैसिलिटी इस तरह दी गेम्स के ताकि यूथ को जोड़िया जाए? नहीं वो बनावांगे जी, असी तो हर स्कूल च क्योंकि जिहड़ा खास तौर पर रूरल एरियाज दे विच है ना, असी जे पंचायती जमीन है तो पंचायती, जे पंचायती जमीन नहीं हैगी तो पहली साड़ी प्रायोरिटी यह है भी स्कूल च जे ग्राउंड की जगह तो
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਥਰੂ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਖੇਡੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਹੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਸਨ ਮੀਟ ਹੇਅਰ, 16% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ PTI ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਲ ਪਾਟੀਆ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ 649। ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨਬਨ ਰਹਿਤੀ ਥੀ, ਜਿਸਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂਤਰਿਕੋਂ ਸੇ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਸੇ ਕਿ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98417 18786, 97797, 24075।